एमपी में इन दिनों चुनावी सरगर्मी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राजनेता आए दिन एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता से अंतिम समय तक साथ रहने का वादा किया है। भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कोई काम नहीं किया है, उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और उनकी पार्टी को लोगों ने नकार दिया, इसलिए वह इस बार परेशान है। पिछले 20 सालों से भाजपा सरकार है, उन्हें विकास कार्यों के बारे में बात करनी चाहिए लेकिन उनके पास मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने काम नहीं किया इसलिए कि उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया और इसलिए कि उनकी पार्टी को लोगों ने नकार दिया है, इसलिए बड़े परेशान से ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह से परास्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम छिंदवाड़ा में फहराएगा जैसा 1996 में फहराया था। तो मुद्दे की बात करना चाहिए, 10 साल की हमारी सरकार थी उस पर कुछ मीमांसा करनी चाहिए, उस पर जनता के बीच में कुछ बात करनी चाहिए, जनता के मर्म दर्द पर हाथ रखना चाहिए कि कहां पर क्या क्या और कर सकते हैं जनता के लिए, ये सुझाव देना चाहिए, सकारात्मक चुनाव लड़ना चाहिए। कोई उनकी बहू भावुक होकर रो रही हैं, कोई कह रहा है कि उम्मीदवार ज़्यादा खड़े कर दो, जनता के बीच में जाके बोल रहे हैं। अरे आपके पास मुद्दों की कमी है इसलिए आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, जबकि हम मोदी जी की गारंटी बता रहे हैं, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का बखान कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के कार्यकाल का बखान कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं हमारी पार्टी की रीति नीति में हमने जो वादे किए थे हमने कितने पूरे किए, और हम ये बता रहे हैं कार्यकर्ताओं को 370 वोट बढ़ाना प्रति बूथ पर है, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करो, हम कह रहे हैं वोट बढ़ाओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।